पिछले हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यंग बॉयज ग्रुप की ओर से भिवंडी के लाहौटी कंपाउंड में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें कि इस रोजा इफ्तार पार्टी में यंग बॉयज ग्रुप के युवा जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इस रोजा इफ्तार पार्टी में शहर के विभिन्न पार्टी दल के नेतागण, कई सामाजिक संस्था के लोग इस रोजा इफ्तार पार्टी में आकर रोजा खोलते हैं। ऐसे में हम आपको बता दें कि इस रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन पिछले 10 वर्षों से इब्राहिम मोमिन के नेतृत्व में किया जा रहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित होकर वहां पर रोजा खोले। ऐसे में हमारे चैनल से जुड़े यंग बॉय ग्रुप के अध्यक्ष इब्राहिम मोमिन ने सभी आए हुए मानदारों का आभार प्रकट किया और कहा कि जो भी हमारे रोजा इफ्तार पार्टी में आए उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ऐसे में आपको बता दें कि उनके सहयोगी मित्रों ने जो उनके साथ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनका भी आभार प्रकट किया। वहीं पर हमारे चैनल के माध्यम से इब्राहिम मोमिन ने क्या कहा हम जरूर सुनाएंगे। आइए देखते हैं रोजा इफ्तार पार्टी का एक दृश्य। खुदा फैलाएंगे मस्जिद में भी जाएंगे हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान तूने बढ़ा दी सबकी शान आया है बन के मेहमान नूरे रमजान नूरे रमजान नूरे रमजान। मेरा सलाम अस्सलाम वालेकुम। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है हम पूरे एरिया के मोहल्ले के हमारे ग्रुप है यंग बॉयज ग्रुप उन्होंने पूरे आज मेहनत लिया है और आज का जो हमारा प्रोग्राम है हम पूरे एरिया के मोहल्ले के हमारे ग्रुप है यंग बॉयज ग्रुप उन्होंने पूरे आज मेहनत लिया है। आज मेहनत से बहुत अच्छा भी हुआ है और लोगों को रमजान मुबारक हमारे तरफ से हमारे ग्रुप के तरफ से रमजान मुबारक। इफ्तार पार्टी में देखा गया एक भाईचारे का संदेश भी देखने को मिला, यहाँ से क्या कहना चाहेंगे? कल इब्राहिम ने फ़ोन किया कि सर इफ्तार पार्टी हमने रखा है हमारे ग्रुप की वजह से, तो यहाँ देखा मैंने हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ दिखाएगी। ऐसा ही नहीं, चलो भाई सब मुसलमान ही ऐसा नहीं है, सब हिंदू भी लोग थे और भाईचारे से रहते हैं, उसका उदाहरण यहाँ मुझे दिखाई दिया। सब मिलजुल के इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और मैं सभी मुसलमान भाइयों से रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ और ये महीना आपको मुबारक हो ऐसा मैं शुभ संदेश। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।